ये पिटबुल है, बहुत खतरनाक। जैकी बैठ जाओ। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछा। गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज लखनऊ से गांव जाने वाले हैं, क्योंकि हाल में आज मथुरा से आए थे। अब चलिए चलते हैं गांव। आज मेरे अभी तुम आ जा रहे हैं आलमबाग, कुछ काम है, वहां से जाएंगे चारबाग स्टेशन से गांव। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं चारबाग स्टेशन और आपको दिखाना चाहेंगे। इधर देखिए पूरा ये चारबाग स्टेशन है। चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और जो गाँव जाएंगे आज। अगर आपको बनारस जाना है सुल्तान, चलिए चलते हैं। पहुंच चुके हैं अपनी मार्केट में और अब चलते हैं अपने श्री राम भैया के घर पे। ये देखिए, क्योंकि देखिए आप लोग सुबह सुबह सोकर उठ के बाहर घूमने में निकले हुए थे, काफी अच्छा लग रहा है कि बाग वगैरह है ये। अभी आज अपने घर भी जाएंगे, तो भैया कहें थोड़ा काम तो इसलिए आए थे। देखिए आप लोग सरसों भिगो रहे हैं, इसको क्या होता है, जब इसको काट के रख दी जाती है इसको, ताकि जल्दी छूट जाए, इसलिए पानी छोड़ा जाता है इससे। देखिए आज पानी छोड़ रहे हैं, जल्दी छूट जाता है। अभी इससे 1-2 दिन इसको रख दिया जाएगा, छूट जाएगा जल्दी। फिर ये इसलिए पानी डाला जा रहा है इसको। गाइस देखिए सुबह सुबह कचालू चाय आ चुकी है और अब खाते हैं। गाँव में इसी तरीके नाश्ता होता है। गाइस अब जा रहे हैं मामा के यहाँ, वैसे घर जाने वाले थे लेकिन जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है, सामान देना है, इसलिए चल रहे हैं मामा के घर पे। आज बहुत दिनों के बाद 7-8 महीने बाद जा रहा हूँ मामा के घर, तो नानी नहीं मिलेंगी। ये है चिड़ही चौरा सुल्तानपुर का, तो सुल्तानपुर चला जाता है ये रोड। आप लोग देखिए फैजाबाद चला जाता है और ये रोड आजमगढ़ चला जाता है। चलिए चलते हैं फिर। ये देखो गाइस बहुत दिन बाद इससे मिला हूँ, कैसे तुम पर आ रहा है। है जैकी, जैकी क्या है भाई, क्या बे बे हाथ नहीं जैकी। देखो भाई ये पिटबुल है, बहुत खतरनाक। जैकी बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठो भैया, बैठो बैठो बैठो। मैंने अभी खुला होता तो मेरी वाट लगा देता है, कपड़े पड़े सब खराब हो जाते हैं। जैकी ओ जैकी। देखिए लोग कैसे हाउदी बना के भैंस गाय को रखते हैं, ये देखिए। ये देखिए भटौर काफी दिख रहा है, लोग यहाँ पे गोबर और पाथते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे गोली खेल रहे हैं, जो कि आज मुझे कई दिनों के बाद देखने मिला। मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो गई, काफ़ी अच्छा लगता है गांव में। आप लोग भी अगर आते हैं, अब तो गर्मी का समय आ गया, गांव में आइए, बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी की छुट्टियां गांव में ज़रूर बनाई अपने बच्चों के साथ। देखो गाइस तो घर पे पहुंचते ही आके बरसीन काटने जा रहा हूँ भैंस का चारा, चलना इसको काटते हैं फिर। और देखिए छोटे छोटे आम आ चुके हैं पेड़ में, और आपको बताना चाहिए क्योंकि ये मेरे घर के पास में ही है, बहुत बड़ा पेड़ है। और ये देखिए मेरा घर हो गया गांव का, काफ़ी अच्छा लगता गांव में आने के बाद। और गाइस एक साल में एक बार भरता है ये। गाइस देखो हमारी भाभी इधर गाय का दूध निकाल रही हैं, बस यही ज़्यादा है, 2-3 है गाय हैं, भैंस नहीं है अब। तो गाइस देखो आज घर पे आए थे, जो कि पूड़ी है, चावल है और टमाटर सॉस है। चलिए खाते हैं फिर, घर की बात ही अलग होती है भाई, घर पे जब आते हैं मजा आ जाता है खाना वाना खाने में। गाइस ब्लॉग को फाइनली पर एंड करते हैं, तो आप सबको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप सबको गांव की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और शेयर करना बहुत मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।